हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट में, ठीक है। लाइक हम लोग फर्स्ट ऑल देखते हैं कि चीज़ों को कैसे अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। लाइक लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया था यहाँ पे, एज यू सी। लाइक ट्रांसलेशन मोड में ऑफ करता हूँ यहाँ पे। एक कैरेक्टर के लिए हमें बहुत सी चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है कि सेप्स कैसे होने चाहिए यहाँ पे, लाइक बेसिक सेप्स, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक सेगमेंट भी चाहिए, दैन ऑल्ट आर दैन कंट्रोल शिफ्ट एंड ई। एक मैंने फ्रंट में ले लिया और एक बैक में भी लिया, ठीक है। इनका भी एक रोल होगा, लाइक अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट लेता हूँ तो इसका एक यूज़ है, लिटिल बाहर हल्का सा, ठीक है, फॉर फ्रंट, ठीक है। परसेप्टिव में आते हैं यहाँ पे, लाइक ऑल्ट आर कंट्रोल शिफ्ट एंड ई, ठीक है। टी फॉर टॉप एंड जेड, अब देखोगे लाइक बेसिक जो शेप होता है यहाँ पे, ये वाला एरिया हल्का सा और ये वाला एरिया हल्का सा अंदर प्रेस होगा यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट में भी अंदर की तरफ होता है और बैक में भी अंदर की तरफ होता है। कॉर्नर पॉइंट को छोड़ देता हूँ लिटिल बिट, ठीक है। तो बेसिक शेप्स को हम यहाँ पे समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों को इस पार्ट को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। चूँकि पहले मैं अटैच करना चाहता हूँ लेग को, ठीक है। तो लेग को अटैच करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहला पार्ट यहाँ पे सेगमेंट देखते हैं यहाँ पे, लाइक कितने सेगमेंट हैं, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन लूप टोटल कितने, एट, ठीक है। एट में लाइक अगर मैंने ये दो ऑफ कर दिया यहाँ पे, लाइक दो डिसलेक्ट कर दिया, तो सिक्स बज के, ठीक है। मेरे पास अब जो यहाँ पे जो सेगमेंट है, लेग के अंदर सेगमेंट देखें, मैं डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन सेलेक्ट बॉर्डर, यहाँ पे आपके 10 सेगमेंट हैं, सिक्स वहाँ पे हैं, और देन बीच में हमें कुछ सेगमेंट ऐड ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन बिटवीन हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, अगर काउंटेड करें तो यहाँ पे, तो सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे एज इज, सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, दोनों कॉर्नर पार्ट को सेलेक्ट करना है यहाँ पे। देन ब्रिज यूज़ कर सकते हो, ब्रिज, ओके, ये कर्व मेंटेन कर देगा यहाँ पे, ओके। देन वन टू, लाइक आप शेप को देख सकते हो यहाँ पे, सिक्स वहाँ पे, सेवन एट और नाइन इवन टेन, ठीक है। 10 सेगमेंट वैसा इक्वली आ जाएगा यहाँ पे। देन मैं वन वन चीज़ को भी मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक एफ फॉर फ्रंट, ठीक है, देन जो सेप्स है इन सेप्स को मैं थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को थोड़ा सा फोकस करते हैं यहाँ पे सेप्स को, ओके। देन मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, लाइक इन चीज़ को मैं जोड़ना है इसके साथ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे काम कर दिया यहाँ पे, लाइक दिस वन, ठीक है, और लिटिल बिट, दोनों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैं स्टेप्स यहाँ पे चीज़ों को फसल किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। टॉप लेवल वन प्रेस कर दिया यहाँ पे, ओके, और देन ये वाला पार्ट है। देन अब मुझे यहाँ पे अटैच करना है, सिंपल सा पार्ट, सेलेक्ट दिस वन, ठीक है, अटैच कर सकते हो आप यहाँ पे, राइट क्लिक एंड अटैच, अटैच कर दें यहाँ पे, सेलेक्ट बॉर्डर, दोनों बॉर्डर को सेलेक्ट करो, परस्पेक्टिव एंड जेड, ऑल्ट क्यों, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे। देन यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ब्रिज, अपने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर लेगा यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर कनेक्टिविटी आ जाएगी आपके पास यहाँ पे कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। आप फॉर फ्रंट एंड जेड, ठीक है, लगता है एक सेगमेंट है तो सेगमेंट हम लोग दे सकते हैं, अभी देना चाहो अभी दे दो, आपको मैनेज करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, टर्न कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और देन सेलेक्ट कर दे इस पार्ट को, ठीक है, मैंने रिलैक्स कर दिया, तो अपने आप मैनेज कर देगा आपको, जब आपको ज़्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स, सेफ आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो देन ईजी वे है, अगर आप चाहो तो इसको आराम से फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। सेफ्स को थोड़ा सा बेटर वे में आप मैनेज कर दो आप यहाँ पर, ठीक है। ऐसे कुछ मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, जुड़ जाएगा आपको यहाँ पे, लाइक
तो आप देख सकते हैं मेरे पास कि अगर मैं देखूँ बॉडी, मेरे पास बॉडी अटैच होगी यहाँ पे। ओके, टॉप लेवल ऑल्ट क्यों, बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। एक बहुत बेसिक फंडा मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, लाइक ऑल्ट आर देन कंट्रोल से नहीं, ठीक है। जो भी आपका हिप वाला एरिया होगा, हिप वाला एरिया इन्हीं सेगमेंट के बीच में आना चाहिए, ठीक है। राइट क्लिक करना है, डॉल जो सेगमेंट दिख रहा है तो इसी एरिया के बीच में आपका एक हिप वाला एरिया आना चाहिए। तो इन सेगमेंट को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, लाइक पीछे से आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो फ्लो है मेरे पास यहाँ पे, इस फ्लो को मैं थोड़ा सा मेंटेन करूँगा यहाँ पे, ऑल्ट आर देन कंट्रोल शिफ्ट एंड ई, ठीक है। क्लॉथिंग में कवर्ड है तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले, जस्ट बेसिक एक स्ट्रक्चर। तो मैनेज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। शेप्स को आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आप आराम से चीज़ मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, कवर मेंटेन करके रखना है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट आर देन कंट्रोल से पहले कॉर्नर पॉइंट, इस कॉर्नर पॉइंट को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, लाइक राइट क्लिक करना है, डॉल या निवर्स वाला पार्ट यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे उस वाले पार्ट के लिए थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी को मैंने थोड़ा सा ऊपर दस कर दिया यहाँ पे। ओके, राइट क्लिक एंड कट, सेकंड जेड, सेलेक्ट कर दिया, अंदर तक चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देन एजेस को मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी दे देते हैं यहाँ पे, लाइक क्वाड बनाना है तो क्वाड बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक एंड कट, ठीक है। राइट क्लिक एंड कट, ठीक है। प्रेस वन लाइक दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। और प्रेस कर दिया मैंने स्केल, डब्ल्यू, ठीक है। और सेम कनेक्टिविटी लाइक मैं यहाँ पे देना चाहूँ, वैसे बेसिक डेप्थ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इवन मैं थोड़ा सा अगर और चीज़ को मैनेज करना चाहते तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक इसकी कनेक्टिविटी ऐसे करता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक एंड कट। सेगमेंट का फ्लो आपको बताना चाहिए, लाइक कट एंड कट, ठीक है। देन एफ फॉर फ्रंट, जेड फॉर जूम, प्रेस वन, वन को सेलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, रिलैक्स। तो बेसिक कनेक्टिविटी मैं यहाँ पे दे दूंगा, ऑलमोस्ट सारे क्वाड बना दिया मैंने यहाँ पे, और चूहे तो मैंने बेटर वे में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बहुत डिटेलिंग भी हो सकती है, जिस बेसिक एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दे दिया कि ठीक है, चूहे को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। राइट क्लिक एंड नाउ स्टॉक ऑन करके देखो यहाँ पे, बेसिक स्ट्रक्चर आपको देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप का आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बेसिक आपका हिप का शेप भी आपका यहाँ पे थोड़ा सा बेटर हो जाए यहाँ पे, ठीक है। जो भी कर्व है कर्व को मेंटेन कर दो आप यहाँ पे, तो देन शेप्स फ्लो याद रखना, अगर आपका फ्लो सही है तो आपकी चीज़ें सही हो पाएंगी, नहीं तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ओके, आप इनको थोड़ा सा लेके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर, प्रॉपर्टी इधर, ठीक है। और स्मूथनेस का जाके आप यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर लोगे आप यहाँ, ठीक है। कई लोग यहाँ पर एक्सट्रूड करके भी काम कर लेते हैं, एक्सट्रूड करके भी काम करना चाहते तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बस थोड़ा सा सेगमेंट्स को आपको समझना है आपको यहाँ पे, ठीक है। फ्लो आपको किस तरह से मैनेज करना है, कॉर्नर पॉइंट में बेसिक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अनाइड ऑल, लाइक बेसिक शेप को हमने यहाँ पे फुलफिल कर लिया, ठीक है। जस्ट बेसिक ब्लॉकिंग के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब लाइक मुझे यहाँ पे चाहिए, तो अब मुझे यहाँ पे हैंड को जोड़ना है, तो मैं हैंड को कैसे जोड़ सकता हूँ यहाँ पे, बहुत सिंपल सा पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं पे जो मैं मैनेज करता हूँ, लाइक एक स्पेयर यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और ओके ब्रेस्ट वाले एरिया के लिए मैं यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, शेप्स, ठीक है। मॉडिफाई सेगमेंट्स हम लोग रखेंगे 8, बहुत ज़्यादा सेगमेंट नहीं यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक एंड हाइड,
ओके, प्रेस कर दिया मैंने एम, ठीक है, ओके, और ये हल्का सा रोटेटेड होते हैं लिटिल बिट ऐसा कुछ, ठीक है, और तो से वेटेड भी होंगे, तो वेटेड के लिए मुझे यहाँ पे सेगमेंट और देना पड़ेगा यहाँ पे, लाइक सपोज मैंने यहाँ पे काम करते हैं राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली, एक सेगमेंट में ऐड ऑन करके देखें यहाँ पे लाइक 9, ठीक है, राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली, वर्टेक्स कन्वर्ट टू फेसेस, देन डिलीट, ठीक है, लाइक यहाँ पे देखते हैं बॉर्डर को, बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ओके बॉर्डर, बॉर्डर सेलेक्ट करने वाला लाइक हल्का सा स्केल, ठीक है, हल्का सा आपका अप होगा यहाँ पे, ठीक है, शेप्स को आप यहाँ पे, अगर मैं को इतनी शेप को आपको बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है, आप मैनुअल डील करते हो तो देन उस थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, और यूजली मैं बेसिक शेप अगर मैं लेता हूँ मेरा काम बहुत आसान हो जाता है, मैं इसको थोड़ा सा क्वाड बना लेता हूँ, जेड एंड जूम, ठीक है, बहुत सी चीज़ें अगर इसमें मैं डिटेलिंग में जाऊँ तो मेरे पास ऐसे भी काम आ जाएगा, लाइक मुझे यहाँ पे क्वाड करना, तो क्वाड के लिए ऑप्शन मेरे पास अलग अलग है, लाइक 1, 2, 3, देन यहाँ पे देखें यहाँ पे, ओके यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए, लाइक यहाँ से एक क्वाड बन जाएगा, यहाँ से एक क्वाड बन जाएगा, यहाँ पे अगर ये क्वाड बन जाएगा, यहाँ पे ये क्वाड बन जाएगा, एक आध सेगमेंट मेरे पास एक्स्ट्रा भी होता है, देन चीज़ को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 8 पे भी ये काम कर जाता, ठीक है, चलो ठीक है, आप लोग 8 भी ट्राई कर लेना यहाँ पे, देन चीज़ को मुझे जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर टॉप लेवल, ठीक है, हल्का सा रोटेट कर देना आप यहाँ पे, ठीक है, देन शेप आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और सेलेक्ट बॉर्डर, बॉर्डर को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे टॉप लेवल, देन मैंने चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे, बेसिक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा, ओके, आर फोर स्केल लिटिल बिट स्केल कर देते हैं यहाँ पे, क्लॉथिंग है तो उसके ऊपर क्लॉथ को हमें मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, अब चीज़ों को आपको कैसे मैनेज करना है, लाइक सेगमेंट कितने, तो ये आपको देख लेना है, और देन चीज़ को फिक्स कर सकते हो आप यहाँ पे, राइट क्लिक करना है, ऑल सेलेक्ट एंड ऑल्ट में बॉर्डर सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, ओके बॉर्डर 9 सेगमेंट्स हैं, ठीक है, तो डू वन थिंग ऑल्ट आर देन कंट्रोल शिफ्ट एंड ई 10 करते हैं या फिर ये काम करते हैं ख़त्म करते हैं लाइक कोलैप्स, ठीक है, बॉर्डर पे सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे 8 ईजी होता है, ठीक है, कभी भी ऑड नंबर यूज़ मत करना, अब यहाँ पर मुझे 8 सेगमेंट यहाँ पे चाहिए, तो 8 सेगमेंट के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हो यहाँ पे, उन चीज़ों को मुझे मैनेज करना है, आप चाहो तो इसमें स्नैपिंग करके काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, लाइक सपोज मैंने अगर ये बॉर्डर सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, बॉर्डर कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट टू वर्टेक्स, जाओ तो आप यहाँ पे FFD यूज़ कर लो, आप यहाँ पे FFD 2 और 3, देन आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो 1 2 1 करके W, लाइक जो कोई तरफ आपका कवर्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो देन चीज़ को आप मैंने डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बेसिक सेव आपका यहाँ पे आएगा, ओके, अब यहाँ पर मुझे 8 सेगमेंट चाहिए, 8 सेगमेंट की मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, टॉप लेवल सिलेक्शन डिसन, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लाइक यहाँ पे जो शेप्स इन शेप्स को मैं यहाँ पे मैनेज करने वाला हूँ, राइट क्लिक नर्व स्टोगल, नर्व स्टोगल को ऑफ करते हैं यहाँ पे, सेगमेंट के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे मेरा सेगमेंट इक्वल है कि नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग चाहिए तो मैं चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक इसके लिए सेगमेंट आएगा, इसके लिए ये सेगमेंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, देन यहाँ पे नीड है तो एडजस्ट कितने पॉलीगन्स के साथ मैनेज करना है यहाँ पे, तो देन सपोर्टिंग में लाइक F4 फ्रंट एंड जेड, ठीक है, F3 लाइक मैं देख सकता हूँ पे, ठीक है, दूसरा पार्ट में इसको तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, मतलब अगर आप पहले से मैनेज कर लो तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है, शेप्स के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है, मुझे इतने पार्ट में काम करना है यहाँ पे, और चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, F3 देन यहाँ पे मैं शेप्स हैं यहाँ पे, ओके, राइट क्लिक एंड टॉप लेवल, तो सर आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है तो अंदर दब गया है, तो मैं
कोशिश करता हूँ इसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, राइट क्लिक कोलैप्स टू, जो भी चीज़ मैनेज हो जाएगी उसे मैनेज कर देना पे। ठीक है, एफ एफ टी यूज़ कर लो, एफ एफ टी लाइक टू यूज़ कर लेते हैं पे, वन एंड वन। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने पे लाइक बॉडी स्ट्रक्चर, थोड़ा सा मैं पे मैनेज करने वाला हूँ। ठीक है, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े हमें यहाँ पे। लाइक इंटरसेक्ट होगा तो उसे मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे बिना इंटरसेक्ट के हम लोग यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इतना मेरा काम होगा। राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली, देन पॉलीगन से हम लोग चलते हैं यहाँ पे, वन टू थ्री एंड फोर। फोर पॉलीगन को अगर हम लोग डिलीट करते हैं तो कितना आएगा, डिलीट। ठीक है, सेलेक्ट करो बॉर्डर को, बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पे एट सेगमेंट है। ठीक है, एट यहाँ पे भी और एट यहाँ पे भी है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना है। ठीक है, राइट क्लिक एंड अटैच, अटैच दिस वन। ठीक है, सेलेक्ट वन बॉर्डर। ठीक है, दोनों बॉर्डर को सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, ब्रिज कर सकते हो आप यहाँ पे, ब्रिज अपने यहाँ पे चीज़ कवर कर देगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ओके, ब्रिज मैंने यहाँ पे कर दिया। ब्रिज करने के बाद लाइक मुझे यहाँ पे चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या करें, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक सेगमेंट दे रखा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑल्ट आर देन राइट क्लिक एंड कोलैप्स, काफ़ी चीज़ तो ये मैनेज कर देगा यहाँ पे। ठीक है, और देन कुछ यहाँ पे जो हमें यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करने की नीड है। ओके, जेड फॉर जूम, मैं एक बार और फिर से कोलैप्स करने वाला यहाँ पे। लाइक लगता है मुझे नीड है, सेगमेंट मैं दूंगा यहाँ पे, राइट क्लिक एंड कोलैप्स, देन ये तो कुछ चीज़ अपने आप कवर कर देगा अपने आप। आपको यहाँ पे ज़्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे रेडी हो जाएगा अपने यहाँ पे। ठीक है, शेप्स को मैं जैसे मैनेज करना, राइट क्लिक एंड नर्व टॉगल, बेसिक शेप आपके यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, फ्रंट पे चलते हैं यहाँ पे, लाइक मुझे बनाना है डेल्टॉइड। ठीक है, डेल्टॉइड बनाने के लिए अभी क्या करता हूँ, मैं बहुत ईजी वे बताने की कोशिश करूँ कि ताकि आपसे कुछ काम हो सके। लाइक बहुत डिटेलिंग होती है इसके अंदर, ठीक है, इस पार्ट में भी, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो जाए, उसके बाद आप चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो अपने यहाँ पे। ठीक है, ऑल डब्ल्यू, राइट क्लिक अनहाइड ऑल। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक सेगमेंट देते हैं नेक के लिए। ठीक है, लाइक ऑल्ट आर देन राइट क्लिक एंड कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, आर फॉर स्केल, ठीक है, साइड से मैनेज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और देन फ्रंट से मैनेज कर देते हैं यहाँ पे। बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके, मेरे पास यहाँ पे एक सेप है, सेप के अकॉर्डिंग मुझे मैनेज करना है। ठीक है, तो राइट क्लिक कन्वर्ट टू फेसेस, कन्वर्ट टू फेस कर दिया मैंने यहाँ पे, जो मेरे पास रेफरेंस के अकॉर्डिंग दिखेगा यहाँ पे। अनहाइड ऑल, राइट क्लिक एंड एक्सट्रूड कर देना आप यहाँ पे। मैं इसे बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि गाइस ध्यान रखना, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। लाइक आपका देखो कनेक्टिविटी कहाँ होनी चाहिए, तो प्लीज़ ऐसे ऐसे ही फॉलो करना। प्रेस वन, आपने चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है यहाँ पे। ठीक है, प्रेस वन यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना। ठीक है, जो नीचे वाला बार्ड है लाइक जो अटैच कर चुके हैं यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, अभी थोड़ी देर के लिए इस वाले पार्ट को डिटैच कर लेते हैं यहाँ पे। डिटैच, ओके, ताकि कोई दिक्कत ना है। प्रेस करते हैं वन। ठीक है, मैंने यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर दिया। अब देखो आपका हाथ जुड़ेगा, मैंने एक्सट्रूड ऐसे किया ऊपर की तरफ। ठीक है, आपको जो हैंड जो जुड़ेगा वो यहाँ इस वाले पार्ट में जुड़ना चाहिए। किसी ने भी यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, तो आपका मॉडल सही नहीं होगा, आपका फ्लो सारा गलत हो जाएगा और सब कुछ ख़राब हो जाएगा। प्लीज़ गाइस इसका ध्यान रखना। ठीक है, ओके, देन हम यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ मैनेज करते हैं। प्रेस वन, वन फॉर वर्टेक्स, चीज़ को फुलफिल करना है यहाँ पे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहली चीज़ लाइक अब देखो यहाँ पे चीज़ को मैनेज कैसे करना है। सेफ से मेरे पास यहाँ पे ऑल्ट आर देन कंट्रोल शिफ्ट एंड ई। ठीक है, लिटिल बिट स्केल कर देना आप यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा राउंडनेस यहाँ पे देना आपको यहाँ पे। ठीक है, और देन इन्हीं शेप्स को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, राइट क्लिक एंड सैम्पल। ठीक है,
कन्वर्ट कर दें यहाँ पे। ओके देन पॉलीगन्स का अपने आप सेट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 पॉलीगन को मैं डिलीट करता हूँ। देन मेरे पास यहाँ पे सेगमेंट क्या आ गया, यहाँ पे 10 सेगमेंट हमारे हैंड में, सेगमेंट कितने 10। अब इनको थोड़ा मैनेज करते हैं यहाँ पे। लाइक राउंडनेस के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, 1, 2, 3 एंड 4 सेलेक्ट करो, देन रिलैक्स ये राउंड कर देगा अपने आप। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं मैनुअल डील कर सकता हूँ तो सेलेक्ट कर दें यहाँ पे, देन रिलैक्स, तो ये आपको राउंड करते दिखाएगा। ठीक है, सिर्फ प्रेस करके क्लिक करो तो देन ये मैनेज हो यहाँ पे, देन रिलैक्स, तो रिलैक्स हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, देन रिलैक्स, जो स्पेसिंग जो चाहिए वो स्पेसिंग अपने आप ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो राइट क्लिक एंड अनहाइड ऑल, फ्रंट पे गए जिस बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और देन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सेम पार्ट ब्रिज एंड ब्रिज ऑल्ट क्यों। ठीक है, ये ध्यान रखना ब्रिज करने के टाइम पे आपको ये अंदर वाला पार्ट हॉलो होना चाहिए, कोई भी ऐसा ना मिले जिन्होंने इस वाले पार्ट को डिलीट ना किया हो। अगर आप डिलीट नहीं करोगे तो आप लगे रहोगे, ना आपका ब्रिज होगा ना अटैच होगा। ठीक है, तो देन सेलेक्ट करते हैं राइट क्लिक टॉप लेवल सेलेक्ट अटैच, अटैच दिस वन। ठीक है, देन बॉर्डर टू बॉर्डर सेलेक्ट करो यहाँ पे, बॉर्डर एंड बॉर्डर। ठीक है, देन क्लिक करो ब्रिज पे, ब्रिज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ओके, लगता है सेगमेंट देने की नहीं तो आप दे सकते हो यहाँ पे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, स्विफ्ट यहाँ पर सेगमेंट दे देना आप यहाँ पे। ठीक है, मतलब बेसिक शेप्स होता है, लाइक फीमेल्स के अंदर जो कहा जाता है बाइसेप्स नहीं ज़्यादा दिखते, बाइसेप्स ट्राइसेप्स बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं होती यूजली, लाइक एज यू नो लाइक गर्ल्स को एज ए सॉफ्ट बॉडी में ही कंसिडर किया जाता है, क्या बहुत बेसिक स्ट्रक्चर दिखते हैं। ठीक है, हाँ तो मस्कुलर होगा तो वहाँ पे आपको चाहिए दिखेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे इन फेसेस को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर सकते हो फॉर बाइसेप्स। ठीक है, ठीक है, ऑल्ट आर देन राइट क्लिक एंड कोलैप्स, प्रॉपर मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैनेज करने के बाद आपको यहाँ पे देखने की चीज़ें कैसे फुलफिल करना, लाइक देखो यहाँ पे चीज़ों को हम बना तो दिया लेकिन यहाँ पे अभी इनको राउंडनेस देना बाकी है। ठीक है, देखो इसी को राउंडनेस देने में टाइम लगेगा, लेकिन जब कई लोग बॉक्स मॉडलिंग करते हैं तो बॉक्स मॉडलिंग में उसमें वो रह जाते हैं अपने, लाइक फ्रंट है मैंने यहाँ पे टर्न करना, यहाँ पे जो थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा, लाइक थोड़ा सा कर्व मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो लिटिल बिट मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और लाइक पॉलिंग सेलेक्ट करके मैं रिलैक्स कर सकता हूँ सिर्फ, एंड देन सिंपल द पार्ट रिलैक्स थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। रिलैक्स का मतलब नहीं मतलब मैनेज ही करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा सेप को भी अंदर की तरफ करने वाला है पहले फ्रंट। ओके, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे, आपको ये देखना कि आपका जो हैंड है वो सही से जुड़ा है नहीं जुड़ा। ठीक है, आपका हैंड इसके इस फ्लो के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उस फ्लो के अकॉर्डिंग में चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, फोर्स ऑफ का लेसर टूल यहाँ पे भी है। ठीक है, हल्का सा रोटेशन और देन हल्का सा मैनेज कर सकते हो अपने आप, जिसका फ्लो के में थोड़ा सा बेटर लगे आपको। ठीक है, तो चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपका रेडी हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप चीज़ को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग यहाँ पे टच करेंगे, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे पार्ट ऑफ दी पार्ट आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, लाइक ऐसा कुछ पार्ट है, वर्टेक्स को देखो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो आप यहाँ पे, जितना आप ऑब्जर्व कर पाओगे वैसे चीज़ों का फुलफिल कर पाओगे यहाँ पे। ओके, ये आपको देख के काम करना है, शेप्स को आपको कैसे मैनेज करना है, लाइक ट्रिकिंग वाले बहुत सी चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर लाइक मैंने आप चीज़ों को मैनेज कर दिया। ओके, देन राइट क्लिक एंड टॉप लेवल, एक बेसिक बॉडी आपके यहाँ पे रेडी है। ठीक है, क्लॉथिंग हम लोग इसके बात करेंगे, लाइक एफ फॉर फ्रंट। ठीक है, लाइक क्लॉथ के अंदर क्या क्या चाहिए हमें जरूरी सब कुछ विजुअल करना, लाइक क्लॉथ से हमारे पास काफ़ी चीज़ कवर्ड है तो हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइक सिंपल सा पार्ट में कौन, लाइक मेरे पास एक क्लॉथिंग का पार्ट ऐसा कुछ है तो मैं चीज़ों को ऐसे भी कुछ मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। सपोज जैसे एक शेप मेरे पास यहाँ पे गया, तो शेप्स के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा पार्ट अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लाइक सिलेंडर, ग्रेटर सिलेंडर। ठीक है, रोटेशन मैंने दे दिया यहाँ पे। ओके, रोटेशन एज यू नो लाइक 90 मेरे पास यहाँ पे। ठीक है,
सेव लिया मैंने यहाँ पे, सेव को मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेडियस मैं इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ पे, इतना पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, मैनेज करना आपको आना चाहिए ठीक है। लाइक मैं यूज़ करता हूँ एफ एफ डी, एफ एफ डी एज यू नो लाइक टू पॉइंट ठीक है, प्रेस एम, असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे मटेरियल ठीक है, वन प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके मतलब डर नहीं लगना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कोई भी चीज़ बना तो लगे कि यार नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, दें सेलेक्ट कर दो दोनों को, सेलेक्ट कर दिया आर फोर, स्केल कर दिया यहाँ पे, स्केल कर दिया देन यहाँ पे मैनेज कर दो आप यहाँ पे ठीक है। मुझे लगता है एफ एफ डी थ्री लेना चाहिए, एफ एफ डी थ्री ले लिया मैंने यहाँ पे, वन प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देन इसको भी कर हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, कर मेंटेन हो जाएगा आपके यहाँ पे ठीक है, व्यू को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे ठीक है, ओके। देन मैं इस चीज़ को मैं एज इट इज़ में लेफ्ट में मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, लेफ्ट में अगर मैं चीज़ को मैनेज करना तो देन सेव करो यहाँ पे ठीक है। सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है, एस वाई सिमेट्री यूज कर सकते हैं, सिमेट्रिकल ठीक है, सिमेट्रिकल से बॉडी आ जाएगी यहाँ पे ठीक है, सिमेट्री में चीज़ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, सिमेट्री मिरर ठीक है, ओके सही जगह पे यहाँ पे चीज़ को फुलफिल करना है यहाँ पे, देन बेसिक बेसिक शेप को यहाँ पे मैनेज कर देते हैं यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स लेकर, अलग चीज़ को हम लोग यहाँ पे मैनेज करना चाहते हैं, सेप से मेरे पास यहाँ पे ठीक है। मैं चाहूँ इस बॉडी से भी मैं कुछ चीज़ों को मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके लाइक फ्लो है मेरे पास यहाँ पे, फ्लो सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, सेफ्ट एंड फ्लेक्सन ठीक है, कितनी पार्ट को मैं मैनेज करके यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, लाइक सिंपल सा पार्ट ओके, जस्ट डुप्लीकेट कर सकते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट ठीक है, आर प्रेस कर दिया सिर्फ प्रेस करके आप जस्ट डुप्लीकेट, एलिमेंट नहीं क्लोन टू ऑब्जेक्ट करना है यहाँ पे ठीक है, अफेक्ट सेंटर टू ऑब्जेक्ट ठीक है ठीक है, तो जो बॉडी से जो अगर चिपका पा रहे तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, एफ एफ डी लाइक एफ एफ डी लाइक थ्री वन प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, मैं चीज़ होता सब मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे ठीक है, लाइक सेफ सोते सर मुझे मैनेज करना है तो हल्का हल्का मैनेज कर सकते हैं आप, सेलेक्ट करते हैं मैंने प्रेस वन देन एस वाई, जैसे मैं उसको सेंटर में सिमेट्री कहीं और है, एस वाई सिमेट्री ओके, देन सिमेट्री को मैं मैनेज कर सकता हूँ मिरर ओके, बेसिक स्ट्रक्चर लाइक बेसिक स्ट्रक्चर वाइज हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, क्लॉथिंग है लाइक मैं कहूँ क्लॉथिंग के लिए मैं मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, लाइक मैं नॉर्मल एक क्लॉथ ही लेके यूज़ करके मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, इतने इतने भी मुझे इतने पार्ट को मुझे जस्ट मैनेज करना, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ सिंपल सा पार्ट जो मैंने मॉडल बना रखा है, एक मॉडल का मैं काम करूँगा जस्ट डुप्लीकेट कर दूँगा यहाँ पे, कितना एरिया चाहिए लाइक सिर्फ कुछ ऐसा यहाँ पे गया था मैं इतने पार्ट को तो मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे ठीक है, लेफ्ट एंड जेड ठीक है, आर प्रेस कर दिया स्विफ्ट एंड सॉरी शायद छूट गया मेरे पास यहाँ पे ठीक है, पॉलीगन्स ठीक है, कनेक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे ब्रेक करते हैं, लाइक यहाँ पे नीड नहीं है, जितनी चीज़ की नीड होती है चीज़ हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे ओके, देन आर प्रेस कर दिया स्विफ्ट एंड एक्सट्रूड सॉरी पॉलीगन्स नहीं है मेरे पास यहाँ पे ओके, बार डुप्लीकेट कर लेते हैं हमें जस्ट डुप्लीकेट, स्केलिंग वहाँ पास गलत हो गया यहाँ पे, स्केलिंग ध्यान रखना ये स्केल नहीं है, यूनिवर्सल स्केल हो, सिर्फ एन एक्स टू जस्ट क्लोन टू ऑब्जेक्ट ओके, ऑल्ट क्यू कर लेना यहाँ पे, जब क्लॉथिंग होता है क्लॉथिंग के अंदर हमारे यहाँ पे जो चीज़ें तो डेप्थ खत्म हो जाता है, तो हमें यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे ठीक है, टी फॉर टॉप एंड जेड लाइक ये जो पार्ट होगा आपको यहाँ पे लाइक इन चीज़ों का थोड़ा सा इस टाइप से मैनेज करना पड़ेगा
ओके, जो सेप्स होगा इन सेप्स को मैं थोड़ा सा सामने सामने मैनेज कर, टी फॉर टॉप एंड जेड। ठीक है, ओके, देन थोड़ा सा सिमेट्री यूज करते हैं, एस वाई सिमेट्री। क्लॉथिंग में से जस्ट बेसिक लुक एंड फील देने में यहाँ पे, देन फ्रंट पे गए। इन पॉलीम्स में थोड़ा सा डिलीट करना, डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे, सिमेट्री साथ में प्ले कर सकता हूँ, सिमेट्री साथ अगर मैं प्ले कर लूँ यहाँ पे। ठीक है, नीचे का जो एरिया भी है तो उसे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, लेफ्ट एंड जेड एफ थ्री। मैं स्मूथ अब यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं स्मूथ ओके, देन क्लॉथिंग जो है चीज को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, देखो मैं इसके अंदर कवर्ड हो गया यहाँ पे, देन ओके अनहाइड ऑल, देन आप चीज़ों का ऐसा कुछ कवर कर सकते हो आप यहाँ पे, राइट क्लिक एंड टॉप लेवल। मैं सिंपल एक दूसरा कलर दे सकता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक कोई भी कलर लाइक ग्रीन ब्लू ऐसा, तो एक क्लॉथिंग का पार्ट यहाँ पे मैनेज हो जाए यहाँ पे। ठीक है, लाइक बॉडी है तो बॉडी के लिए यहाँ पे सिंपल सा स्किन के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ स्किन शेडर के लिए। ठीक है, ऐसे जो मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा कि अच्छा मैं बस सेफ क्षेत्र में सेफ को कैसे मैं मैनेज करना पे, क्लॉथिंग को किस टाइप से मैनेज करना है, बेसिक एरिया को कैसे मैनेज करना है। बेसिक रफ साइड आपको मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और सेम चीज़ अगर मैंने जो मैसेज को यहाँ पे यूज़ करके लाइक कॉपी देन सेलेक्ट कर दिया मैंने पे, देन पेस्ट। बहुत सी चीज़ें हैं लाइक इसके अंदर फुलफिल करने के लिए, मैं स्ट्रक्चर वाइज में काम करता हूँ, बहुत सी चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे, सेलेक्ट कर दें यहाँ पे लाइक आगे बात जो है राउंडनेस दिख रहा है यहाँ पे, और इसे करके डिलीट कर दें अपने पे तो सही दिखेगा अपने यहाँ पे। ठीक है, फिर वन वन करके हम लोग सारी चीज़ को बनाना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे, कि शेप्स कैसे है एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बनाना आ गया तो देन आपका काम आसान हो जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, अभी प्रोफेशनल लाइक जिस फील्ड में हम लोग हैं तो उसको थोड़ा सा मैं ध्यान से देख के काम करना पड़ेगा कि यार शेप्स कैसे जा रहे हैं। ठीक है, जो किस हिसाब से मैनेज करना है यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगी। सपोज़ यहाँ पर मैं काम करता हूँ लाइक पॉलीगन्स पे गए, ठीक है, और सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ठीक है, देन ग्रो कर दो आप यहाँ पे, तो ग्रो में आपका सिलेक्शन आ जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो आप यहाँ पे, इतना पार्ट लिया। ठीक है, मैं इतने पार्ट में क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा पार्ट आर प्रेस कर दिया, सिंपल शिफ्ट प्रेस करके जस्ट डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पे, ओके, क्लोन टू ऑब्जेक्ट ये कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक टॉप लेवल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनमें हमें क्या करना है, इन वाले पार्ट को थोड़ा सा मैनेज करना है, जो मेरे पास रेफरेंस है, रेफरेंस को देखोगे यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, लूप लूप सेट कर दें यहाँ पे लिटिल बिट स्केल। ठीक है, और स्केल करने के बाद आप थोड़ा सा रोटेशन दे देना, जो फिर सॉरी ऑफ कर देना यहाँ पे, थोड़ा सा मैनेज कर देना यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट काम कर जाएगा यहाँ पे, इनमें कुछ बॉर्डर लाइन से है कुछ, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, एजेस को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्विफ्ट पे गए, स्विफ्ट क्लिक क्लिक, ठीक है, पॉलीगन्स को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, शिफ्ट एंड क्लिक कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड क्लिक। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव, और यहाँ पे हमने कर दिया लाइक बेवल, ग्रुप में जाना पे लोकल, सब कुछ 0-0 कर देना पे, सिंपल सा पार्ट ओके बाहर निकाल दिया लोकल पे, और लिटरली थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे, आपका बेसिक शेप और बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा यहाँ पे। तो बेसिक बेसिक आपके यहाँ पे ऐड ऑन होते जाएंगे, लाइक ऐसा कुछ पार्ट है तो देन लगेगा कि हाँ हमें कुछ मैनेज करना है यहाँ पे, जैसे जैसे यहाँ पे देखो राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली, यहाँ पे कुछ पार्ट है देन
किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है यहाँ पे, शेप्स को मुझे किस टाइप से मैनेज करना है यहाँ पे। एफ एफ डी लाइक एफ एफ डी 3 और 4 में यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और कोशिश करेंगे यहाँ पे लाइक एफ फॉर फ्रंट एंड जेड, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे यहाँ तक करता था को मैं थोड़ा सा मैनेज करने वाला हूँ, पहले सिमेट्री चेक कर लें सिमेट्री मेरे पास सही है कि नहीं, मिरर ठीक है। तो मुझे इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो देन 1 प्रेस कर दिया मैंने 1 देन ठीक है, और नीचे वाला पार्ट को सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे परस्पेक्टिव एंड सेट, ठीक है। शेप्स को मैं यहाँ पे कवर कर सकते हैं यहाँ पे फ्रंट पे गए, ये पार्ट आपका ऊपर की तरफ और ये पार्ट आपका थोड़ा नीचे की तरफ निकलेगा यहाँ परस्पेक्टिव। मैनुअल ट्विक करने के बजाय आप ऐसे ट्विक करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। लिटिल बिट ठीक है, काफ़ी चीज़ आप यहाँ पे फसल कर सकते हो आप यहाँ पे राइट क्लिक एंड टॉप लेवल, ठीक है। ऐसे भी कुछ काम किया जा सकता है यहाँ पे, और लाइक शेप्स यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे सेगमेंट्स एंड सेगमेंट्स को मुझे मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या करने वाला यहाँ पे सिंपल्स अबाउट पॉलीगन्स पे चलते हैं यहाँ पे। पॉलीगन्स पे गए लाइक सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन ग्रो ग्रो कर दिया लाइक डुप्लीकेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आर प्रेस करके शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ठीक है। क्लोन टू ऑब्जेक्ट, टॉप लेवल बाहर निकलना है पे, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने वाले हैं, अफेक्ट ठीक है, और बॉर्डर सेलेक्ट बॉर्डर डब्ल्यू, देन यहाँ पे व्यू पे चलना है, फिर लोकल लोकल ठीक है, देख लेना कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और सिंपल वर्ड ऐसे दे देना है पे स्विफ्ट क्लिक, ठीक है क्लिक, देन सेम प्रोसेस शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करना एंड शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करना पे, कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक पे वाल ऑप्शन लोकल 0 और 0, ठीक है। देन आप यहाँ पे एक अमाउंट सेट कर सकते हैं आप यहाँ पे कि कितना मेरे पास अमाउंट आ रहा है यहाँ पे, सपोज 3.5 यूज़ कर रहे हैं कितना मेरे पास यहाँ पर, ओके 3.5 यहाँ पे 0.35 ओके, और देन ये कितना बार यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं, माइनस में कर सकते हैं माइनस 0.2 करके देखें यहाँ पे, 2 करके देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे भी कुछ काम हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। छोटे छोटे पार्ट्स इन छोटे छोटे पार्ट्स का बनाओगे तो आपको चीज़ थोड़े से फुलफिल हो जाएंगे यहाँ पे। शेप से लाइक यहाँ पे देखो ये शेप से हार्ड शेप यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, हार्ड शेप लाइक एक लेग के अकॉर्डिंग और बाकी चीज़ों के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करने की नीड है। अब फॉर फ्रंट एंड जेड मुझे थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा, तो डोंट वरी लाइक रफ मतलब बेसिक स्ट्रक्चर से भी मैं चीज़ों को निकाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। F2 प्रेस कर देते हैं, F2 प्रेस करने से ज़्यादा सिलेक्शन हमारे पास विजुअल होता है, लेकिन देखो यहाँ पे देखा जाए तो देन फ्रंट के तरफ ही है, पीछे की तरफ भी कुछ विजुअल है यहाँ पे, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं लाइक सिंपल्स अपार्ट एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कॉपी, ठीक है, हाइड सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे चीज़ों को, FFD 1 कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट कर दो आप यहाँ पे W, ओके। प्राइवेट इसका कहीं और रहता है, मैं थोड़ा सा ट्विक करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे FFD लाइक FFD 2 यूज करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मुझे लगता है शायद FFD 3 ज़्यादा बेटर वर्क करने वाला था, मैं 3 लेता यहाँ पे, सॉरी कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड कर्व को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो कर्व मेंटेन अपने आप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे इतना पार्ट खत्म, कोलैप्स 2 यस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। FFD 3 1 1, ठीक है। देन थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो
देखो सर इतने एरिया में दिखाया कि इतना एरिया में बस अलग है, पीछे का पार्ट थोड़ा सा छोटा दिखा लगा है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इतने पार्ट के लिए मैंने एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सिस देते हैं स्विफ्ट, ठीक है। इतने पॉलीगन से मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कुछ ऐसे ही मुझे विजुअल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इन शेप्स के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक इतने पार्ट को मैंने डिटैच करके अलग कर देना है यहाँ पे, इतना पार्ट मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। आप डिटैच कर दो, डिटैच, और आपको यहाँ पे क्या करना है, टॉप लेवल इसको जगह आप सेल दे दो, सेल एस सच, सेल सेल में अपने आप थोड़ी सी थिकनेस मारेगा, थोड़ा सा कम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेल यूज़ करेंगे, मॉडिफाई एंड देन एस एच सेल, और इसका थोड़ा सा अमाउंट कम कर देते हैं यहाँ पे, मैंने कहा 0.5 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर एक ऑप्शन है सेगमेंट आप ऐड ऑन कर देना, पे यहाँ पे सेगमेंट ऐड ऑन कर देना आप यहाँ पे, देन सेलेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे एंड यूज़ करते हैं मैसेज स्मूथ, तो बेसिक शेप आपके यहाँ पे विजुअल हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा, मैनेज आप कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक अन हाइड ऑल, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को देख सकते हैं यहाँ पे, लाइक अलग अलग पार्ट, ठीक है। मैं थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, लाइक स्किन 1, 2, 3 एंड 4 जो भी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं सिमेट्री यूज़ करूँ आ जाएगा, एस वाई सिमेट्री, एफ फॉर फ्रंट, लो सिमेट्री के साथ मैनेज कर देते हैं यहाँ पे, मिरर सेट करते हैं, चल भाई, ठीक है। वैसे यहाँ पे नहीं है कहीं कहीं में, लेकिन यहाँ पे इसमें नहीं है, तो मैं इसका सिमेट्री ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, मेक यूनिक, ठीक है। ओके तो ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना, थैंक यू।